में जिस तरीके से तूफान के बाद बाढ़ के हालात बने और लगातार सरकार की ओर से जिस तरीके से प्रबंधन किया गया, जिला प्रशासन की ओर से आम जन को राहत देने की कोशिश की गई और उसके साथ में जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उन्हें लगातार जो NDRF और SDRF की टीमें हैं वो रेस्क्यू भी कर रही है, तो ऐसे में सरकार की ओर से प्रबंधन किया गया। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहाँ पहुँचकर जो तूफान और बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात की है और मेरे साथ मंत्री जी मौजूद है खास बातचीत के लिए। मंत्री जी, खुद जिस तरीके से CM साहब पहुँचे और जो प्रभावित हुए हैं बाढ़ और तूफान से उन लोगों का सीधा संवाद किया, पीड़ा जानी है, समस्या सुनी, किस तरीके से पूरा? मुख्यमंत्री जी इस तूफान को लेके बड़े संवेदनशील है और सभी रिपोर्टों लोगों से ली है कि नहीं, खेत खराब हुए हैं, सांसद जी राजीव कॉलोनी उनके मकान भी गिरे हैं, कि दुकान गरीब आदमी का सामान भी खराब हुआ है, दुकान का काफ़ी लोग तो सावचेत सामान उठा ले फिर भी कुछ लोग सामान खराब हुआ है। दूसरी जो ऐसी बस्ती है, अरिजन बस्ती है, मोजिया, जो भी नुकसान हुआ उसका सर्वे करा करके सिंह साहब ने कहा है कि मतलब हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। सांचोर और आसपास के इलाके की बात करें, यहाँ तो पानी की काफ़ी निकासी हो चुकी है, शहर की बात करें आसपास की कॉलोनियों से भी पानी निकासी हो चुके हैं और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो मदद हो सकती है उसको और दूसरा सरकार की ओर से मुआवजे को लेकर भी रिपोर्टें मांगी गई है। ये बात सही है, मुआवजा का सर्वे चल रहा है। खास बात जैसे सांगड़ा गाँव है, इस तरह के गाँव जहाँ पानी भरा पड़ा है और पानी निकलने कोई तरीका नहीं है, मतलब डाले तो पानी कहाँ, पड़ोसी खेत ले नहीं रहा है, उन लोगों की बड़ी तकलीफ है, रोज शिकायत है कि रास्ते बंद है, तो प्रयास करेंगे कि मतलब नहर के अंदर पानी डाल करके खेत खाली हो ताकि लोग समय पर बुआई कर सकें। अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है? अब किस तरह की तकलीफ लोगों को नहीं, मतलब बिल्कुल स्थिति जो नहर का बाग है वहाँ तो लोग पानी चाहते थे, बढ़िया बरसात से तो बढ़िया बरसात होगी, वो तो लोग बड़े खुश हैं कि हमारे नहर के अंदर बढ़िया बरसात होगी। तरीके से पहले तूफान और उसके बाद में जो बाढ़ के हालात बने और जिस तरीके से जिला प्रशासन की ओर से प्रबंधन किया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहां पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बाढ़ और तूफान से प्रभावित लोग हुए उनसे 1-to-1 संवाद किया, उनकी पीड़ा जानी। लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालौर।